सोचिए वो पल कितना खास होगा जब रणवीर और आलिया एक दूसरे संग सात फेरे लेकर शादी के बंधन में बंध जाएंगे। रणवीर और आलिया की चर्चा इन दिनों हर जगह छाई हुई है। हर कोई आलिया को रणवीर की दुल्हन बनते देखने के लिए बेकरार है। दोनों की शादी कपल के साथ उनके फैंस के लिए भी बेहद खास और यादगार होने वाली है। लेकिन ये बात जानकर आपको हैरानी होगी कि इस सीक्रेट वेडिंग में सिर्फ 28 लोग ही मेहमान के तौर पर आएंगे। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है। मिली खबर के मुताबिक आलिया रणवीर की गेस्ट लिस्ट में बस 28 लोग ही हैं। रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की शादी उनके बांद्रा वाले घर वास्तु में होगी। कपल ने बिल्डिंग में एक बैंकेट हॉल भी बुक करा लिया है, जो फिलहाल शादी के लिए डेकोरेट किया जा रहा है। रणबीर और आलिया की शादी के साथ उनके प्री वेडिंग फंक्शंस भी काफी खास होने वाले हैं। आलिया और रणबीर की शादी से पहले उनके मेहंदी और संगीत का फंक्शन आरके स्टूडियो में होगा। सूत्रों में मिली जानकारी के मुताबिक 13 अप्रैल को मेहंदी का फंक्शन होगा और 14 अप्रैल को संगीत और हल्दी की रस्में की जाएंगी। 14 अप्रैल के दिन में ही हल्दी होगी और शाम में संगीत का फंक्शन होगा। रणबीर और आलिया की शादी के लिए आरके स्टूडियो को भी सजाया जा चुका है। स्टूडियो पर एक्स्ट्रा सिक्योरिटी के भी इंतजाम किए जा रहे हैं। स्टूडियो के अंदर बिना परमिशन के किसी को भी जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। आलिया भट्ट के भाई राहुल भट्ट ने बातचीत से जुड़ी कुछ खास डिटेल भी शेयर की हैं। उन्होंने बताया कि सिर्फ 28 मेहमान ही शादी अटेंड करेंगे और वो सभी फैमिली मेंबर्स होंगे। वे सब चेंबूर तक बस में जाएंगे। इस दौरान सिक्योरिटी के खास इंतजाम किए जाएंगे। राहुल भट्ट महेश भट्ट और किरण भट्ट के बेटे पूजा भट्ट राहुल भट्ट की बड़ी बहन है। आलिया महेश भट्ट और उनकी सेकेंड वाइफ सोनी राजदान की बेटी हैं। सभी लोग आपस में काफी क्लोज हैं। राहुल भी अपनी बहन आलिया की शादी के लिए सुपर एक्साइटेड हैं। तो दोस्तों, आपको ये लेटेस्ट जानकारी कैसी लगी, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही इसी तरह की और लेटेस्ट अपडेट से रूबरू होने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।